प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको बताइए कि हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर दो कार्ड बनते हैं, यानी हमारी हेल्थ को लेकर सरकार बहुत चिंतित है, आप सबको पता ही है। और उसके लिए दो कार्ड बनाए जाते हैं, एक तो है आभा कार्ड और एक है आयुष्मान भारत कार्ड, यानी प्रधानमंत्री PMJAY कार्ड, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड, और एक आभा कार्ड। आभा कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड दोनों अलग अलग कार्ड है, तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है कई बार, कि लोग सोचते हैं, जो आम पब्लिक है, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग मतलब दोनों में अंतर नहीं कर पाते, उनको लगता है कि यार दोनों कार्ड एक ही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, आभा कार्ड अलग चीज है और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो PMJAY के तहत बनने वाला आयुष्मान भारत कार्ड है वो अलग है। आभा कार्ड के अंदर हमारी जो हेल्थ की डिटेल है, यानी गवर्नमेंट हमारे हेल्थ की डिटेल लेके उसमें डाल देती है, और जब कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं या ओपीडी में पर्ची बनवाएंगे तो आभा कार्ड काम आता है, उससे हमारी ओपीडी की पर्ची बन जाती है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आप मोबाइल चलाना जानते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपनी बेनिफिशियरी, यानी आप लाभार्थी है या नहीं PMJAY यानी आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, वो पता कर सकते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक ऐप बना दी है, तो आप उसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि हम इसके लिए लाभार्थी हैं या नहीं है, यानी हमारा PMJAY के तहत बनने वाला आयुष्मान भारत कार्ड के बनाने के लिए हम योग्य हैं या नहीं है, यह पता कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं लाइफ जियो चैनल, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं यार। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पोर्टल खोला हुआ है, ये beneficiary.nha.gov.in, यानी कि हम लाभार्थी हैं ये कैसे पता करें, तो ये उसी का पोर्टल है। सेम जो आपकी मोबाइल ऐप होगी ना, PMJAY को लेके, यानी आयुष्मान भारत कार्ड को लेके जो ऐप है, सेम प्रोसेस ऐप के अंदर भी होगा। तो मैं लैपटॉप पे यानी बड़ी स्क्रीन पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे हैं, और इस कोने में आप देखेंगे ना, यहाँ पे इन्होंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है, वीडियो यानी यूट्यूब की वीडियो है। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको सारे ट्यूटोरियल दिख जाएंगे, जिसके जिसको देख के आप अपना ऐप के जरिए आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे और चेक भी कर पाएंगे कि आप उसके लाभार्थी हैं या नहीं है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, और ओटीपी भरने के बाद जैसे ही एक पॉपअप विंडो खुलेगी तो उसके अंदर जो कैप्चा वगैरह वो भर देना, और उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। और इस पोर्टल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुंच पाएंगे और इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने अपना मोबाइल नंबर भर दिया है, और जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गई है, तो ओटीपी हम यहाँ भर देंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। कहने का मतलब कैप्चा भरना है आपको पहले, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आती है तो आप रिसेंट पे क्लिक करके ओटीपी को दोबारा मंगा के भर सकते हैं, और उसके बाद आपको कैप्चा भरना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो पेज है वो खुल के हमारे सामने आ चुका है। अब हमें यहाँ पे जो डिटेल भरनी है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, भी हम कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, वो सब आपको अपने आप भरना है, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि हम इस जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी है या नहीं है। तो जैसे ही हमने स्टेट पे क्लिक किया, तो जैसे कि माना कि हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कीम। जैसे मैंने स्कीम पे क्लिक करा, तो यहाँ पे चार तरह की योजनाएं आ चुकी है। तो अपने अकॉर्डिंग आपने जो भी योजना ली होगी पहले, या आप पहले उसमें लॉगिन कर चुके हैं या योजना ले चुके हैं, तो उसके हिसाब से क्लिक कर देंगे, अन्यथा PMJAY पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट। अब इस पे क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, और उसके बाद है सर्च। आपको सर्च किस तरह करना है, आपको अपनी फैमिली आईडी से सर्च करना है, या आपके पास PMJAY की आईडी है उससे सर्च करना है, आपको नाम से सर्च करना है, आप गांव के हैं या शहर के हैं उससे सर्च करना है। तो जैसे भी आप सर्च करना चाहें अपने नाम या अपने परिवार के नाम को, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। तो हम अपने PMJAY पे क्लिक कर लेते हैं, ताकि वैसे आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप नाम से चेक कर सकते हैं, चाहे आप रूरल के गांव के हिसाब से हैं या शहर के हिसाब से हैं, या आपके पास आपकी कोई फैमिली आईडी है तो उसको डाल के भी चेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप चेक किस तरह करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमने फैमिली आईडी पे क्लिक करा, तो अब यहाँ पे नीचे आपको फैमिली आईडी भरनी है और उस पर क्लिक कर देना है। ठीक इसी तरह ही अगर आप आधार से ढूंढना चाहते हैं अपने नाम को, तो आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देंगे, और अगर आप नाम से ढूंढना चाहते हैं तो नाम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, और उसके बाद जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेल फीमेल जो भी है क्लिक कर देंगे। और अगर आप ढूंढना चाहते हैं, भी मैं तो गांव का रहने वाला हूँ और मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो आप रूरल पे क्लिक करेंगे। रूरल दिख रहा है ना आपको, जो पूरी लिस्ट के अंदर रूरल पे क्लिक कर देंगे, और जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट है,
सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक कर देंगे। अब सब डिस्ट्रिक्ट के तहत यानी कि आपका गांव कौन सा है, विलेज कौन सा है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका गांव आपको दिखता है वो ढूंढना पड़ेगा ऊपर नीचे करके, तो जो भी आपका गांव है उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब रूरल यानी कि विलेज यानी कि गांव के बाद अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो भी रूरल के बजाय आप अर्बन पे क्लिक कर लेंगे, जैसे ये लिस्ट आ रही है ना, तो उस पर अर्बन पे क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद आपका वार्ड कौन सा है, मतलब उसमें वार्ड आएगा, अगर वार्ड उपलब्ध होगा तो उसपे लिखा हुआ सारा आ जाएगा, नहीं तो फिर नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो भी आपका वार्ड है उस पर क्लिक कर लेंगे, और या फिर आपके पास पीएमजेवाई के तहत जो आईडी मिली हुई है तो वो आईडी पे क्लिक करके उस आईडी को भर देंगे, और उसके बाद जो सर्च का जो निशान है ना उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में आप अपनी फैमिली के कितने मेंबर जुड़े हुए हैं सारे नाम देख पाएंगे, आपकी जो आईडी है यानी कि जो बेनिफिशियरी आईडी है वो भी देख पाएंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस, सेम यही प्रोसेस जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर है, तो मतलब उसमें कुछ ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत आसानी से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर कीजिए अपने मोबाइल फोन में, और उसके बाद उसको साइन इन करिए जैसे मैंने तरीका बताया, और जैसे भी शहरी क्षेत्र के हैं या गांव के हैं है, आप नाम से ढूंढना चाहते हैं, आप पीएमजे आईडी से आधार नंबर से ढूंढना चाहते हैं, नाम से ढूंढना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके अपनी बेनिफिशियरी आईडी को ढूंढ पाएंगे। अच्छा, जब आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे जो पॉपअप विंडो है ना उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक तो बेनिफिशियरी और एक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर तो वो लोग होते हैं जैसे साइबर कैफे वाले या जिनके पास अथॉरिटी है जो आयुष्मान कार्ड बना के आपको देंगे, तो वो तो होते हैं ऑपरेटर। और आप स्वयं बनाएंगे अपने आप, तो उसके लिए बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद ही आपको लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के कैप्चा भरना है और लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ना कि कितना आसान प्रोसेस है आयुष्मान भारत कार्ड को बनाना, यानी पीएमजेवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनने वाले कार्ड को बनाना अब और भी आसान हो चुका है। तो आप अपने मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हैं सेम जो मैंने प्रोसेस बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और काफी सहायता मिलेगी अगर आप अपने आप एक्सेस करेंगे। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीन बार गलत होगा, बार बार गलत थोड़ी होगा। आज के टाइम में मोबाइल सबके ही पास है, सबको ही चलाना आता है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे चलाना नहीं आता, और जिसे चलाना नहीं आता तो अपने घर में अपने बच्चों से या अपने यार दोस्तों से इस ऐप को डाउनलोड करवा के अपने कार्ड को बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने यार दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।